नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गिरडीह में असमा हड़ाले सभागार कक्ष में उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा की उपस्थित में 11/7/2023 से 31/7/2023 तक चलने वाले परिवार कल्याण पखवाड़ा का शुरुआत किया गया। इस दौरान वर्ष 2022 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ भी निकाला गया, जो लोगों को परिवार कल्याण की योजनाओं से अवगत करा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि भारत का प्रजनन दर 2% है, झारखंड का प्रजनन दर 2.3% है एवं गिरडीह जिला का प्रजनन दर 2.4% है, जो कि बहुत अधिक है एवं इसे कम करने की आवश्यकता है। जनसंख्या का अधिक अनुपात जलवायु में भीषण परिवर्तन ला रहा है, जो कि काफी हानिकारक है। प्रजनन दर कम करने को लेकर लोगों को परिवार कल्याण के विभिन्न साधनों के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा बताया गया कि प्रकृति नर एवं मादा शिशु के जन्म व जन्म अनुपात में कोई भेदभाव नहीं करती, किंतु मानव लिंग परीक्षण का मादा शिशुओं की जगह नर शिशुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके कारण नर मादा का सेक्स रेशियो खराब हो रहा है, जिसका परिणाम काफी भीषण होगा एवं गिरडीह जिला का प्रजनन दर 2.4% है, जो कि बहुत अधिक है एवं इसे कम करने की आवश्यकता है। जनसंख्या का अधिक अनुपात जलवायु में भीषण परिवर्तन ला रहा है, जो कि काफी हानिकारक है। प्रजनन दर कम करने को लेकर लोगों को परिवार कल्याण के विभिन्न साधनों के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा बताया गया कि प्रकृति नर एवं मादा शिशु के जन्म व जन्म अनुपात में कोई भेदभाव नहीं करती, किंतु मानव लिंग परीक्षण का मादा शिशुओं की जगह नर शिशुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके कारण नर मादा का सेक्स रेशियो खराब हो रहा है, जिसका परिणाम काफी भीषण होगा। सिविल सर्जन ने कहा कि जन्म दर कम करने के लिए NSV इंटरनल फीमेल स्टरलाइजेशन, पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन, टोटल स्टरलाइजेशन, IUCD इंसर्जन, PP IUCD इंसर्जन, पोस्ट ऑपरेशन IUCD, अंतराछाया माला एंड कंडोम, ECP, PTK आदि को अपनाया जा सकता है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि गिरडीह में प्रजनन दर बहुत अधिक है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवार कल्याण आयामों के तहत जन वृद्धि दर में कमी लाना है। इसके लिए परिवार नियोजन के विभिन्न आयामों का प्रयोग अति आवश्यक है। आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। अधिक जनसंख्या देश के व राज्यों के संसाधनों पर काफी बुरा प्रभाव डालती है। जमीन, अनाज, जल, जलवायु आदि पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। गिरडीह जिले की ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है। गिरडीह जिले में प्रजनन दर 2.4% है, जो कि राष्ट्रीय व राज्य के भी प्रजनन दर से अधिक है। अतः सभी लोगों को मिलकर इसमें कमी लाने की आवश्यकता है। वर्ष 2022 में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स BTT ANM सैया आदि को सम्मानित किया गया, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: डॉक्टर रंजीत एवं उनकी टीम तीसरी, डॉक्टर BK सिंह जमुआ, डॉक्टर इंदिरा सिंह शिवम क्लिक गिरडीह सदर, मंजू कुमारी बेस्ट BTT पीरटाण, प्रीति देवी बेस्ट TTT बेंगाबाद, मिलन कुमारी ANM बगोदर, कुमारी रोजी रानी ANM पीरटाण, बिलियाना किस्कू ANM पीरटाण, पुष्पा बरनवाल ANM बिरनी, रंजना कुमारी ANM गांडे, उषा कुमारी ANM गामा, चंद्रानी बेसरा ANM तीसरी, सुनीता कुमारी ANM सदर, मधुमाला कुमारी ANM धनवार, अंशु इंद्र एन धनवार, रीना हेब्रम ANM बेंगाबाद, नीलम कुमारी ANM डुमरी, नीलम कुमारी ANM जमुआ, रीता वर्मा सैया बेंगाबाद, संगीता कुमारी सैया बिरनी, सीता देवी सैया बगोदर, बबीता देवी सैया देवरी, रंजू देवी सैया डुमरी, सुषमा मंडल सैया गांडे, ऊषा पांडे सैया गामा, अंजू देवी सैया जमुआ, बसंती देवी सैया पीरटाण, रूबी देवी सैया धनवार, गीता देवी सैया सदर, गुड़िया देवी सैया तीसरी। कार्यक्रम एवं संचालन DPM स्वास्थ्य प्रतिमा कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपरोक्त के अलावा DDC अपर समाहर्ता, IAS प्रशिक्षु, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ANM सैया समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।